वेलकम ऑल स्टूडेंट इन टूडेज ऑनलाइन क्लास. लेट्स टेक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द एड्रेस. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द नरेटर कम टू नो दैट शी हैड कम एट द राइट एड्रेस. तो क्वेश्चन है कि नरेटर जो कि लिटिल गर्ल है, वो ये कैसे उसको पता चला कि वो सही एड्रेस के ऊपर, सही पते के ऊपर आई है. आंसर रहेगा, द लिटिल गर्ल द नरेटर ऑफ द स्टोरी रीचेस एट मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस. जो नरेटर है वो मिसिस डॉर्लिंग के घर पर पहुंचती है इन ऑर्डर टू गेट बैक हर बिलोंगिंग्स, ताकि वो अपनी जो वहां पर रखी हुई वस्तुएं हैं वो वापस ले सके. बट व्हेन मिसिस डॉर्लिंग ओपन द डोर, जब मिसिस डॉर्लिंग ने अपना दरवाजा खोला, शी वॉज वीरिंग द नरेटर्स मदर्स ग्रीन कार्डिगन. उस वक्त मिसिस डॉर्लिंग है वो नरेटर की माँ की हरे रंग की कार्डिगन होता है, जर्सी कोटी जिसको बोल देते हो, वो पहने हुए थी. दिस मेक हर श्योर दैट शी हैड कम एट द राइट एड्रेस. और इसी से ही नरेटर को पता चला कि वो सही पते के ऊपर आई है. और वो एड्रेस कौन सा था? 46 मार्कनी स्ट्रीट वाला. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द वुमेन हुम द नरेटर वॉन्टेड टू मीट. उस औरत का नाम क्या था जिसे नरेटर मिलना चाहती थी. वेयर डिड शी लिव, और वो औरत कौन थी. आंसर रहेगा, द नेम ऑफ द वुमेन हुम द नरेटर वॉन्टेड टू मीट वॉज मिसिस डॉर्लिंग. तो उस औरत का नाम जिसे नरेटर मिलना चाहती थी, उसका नाम मिसिस डॉर्लिंग था. शी लिव्ड एट 46 मार्कनी स्ट्रीट, और वो 46 मार्कनी स्ट्रीट पर रहती थी. थर्ड क्वेश्चन रहेगा, Why did the little girl want to forget the address of 46 मार्कनी स्ट्रीट. लिटिल गर्ल 46 मार्कनी स्ट्रीट वाला जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पर वो जाती है, उसे भूलना क्यों चाहती थी. फॉरगेट मैंने होता है भूलना. द लिटिल गर्ल फाउंड दैट हर बिलोंगिंग्स वर केप्ट इन एन इल अरेंज मैनर एट मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस. नरेटर ने ये पाया, फाइंड से फाउंड बना है, फाउंड. उसने देखा कि उसकी बिलोंगिंग्स पोजेशंस होती हैं, उसकी घर पे रखी हुई जो चीजें थी उसकी माँ के द्वारा, वो बड़े ही इल अरेंज मैनर के अंदर इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं एट मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस, मिसिस डॉर्लिंग के घर के ऊपर. देवर आल्सो यूज इन ए वेरी केयरलेस मैनर, और इन चीजों का मिसिस डॉर्लिंग ने बड़े ही केयरलेस मैनर के अंदर, बड़े ही असावधानी पूर्वक अंदाज के अंदर इस्तेमाल किया था. Now these things had lost their emotional value for her. और अब इन चीजों की emotional value उसके लिए खत्म हो चुकी थी. Moreover, the girl was living in a small rented house. और इसके अलावा जो narrator है, जो little girl है, वो एक छोटे से कमरे के अंदर रहती थी, concentrated camps के अंदर, शरणार्थियों वाले camp के अंदर किराए पर रहती थी, rented house के अंदर. Why did Mrs. Darling refuse to see the narrator? मिसिस डॉर्लिंग ने नरेटर को देखने से मना क्यों कर दिया, उससे बात करना क्यों नहीं चाहिए. आंसर रहेगा, मिसिस डॉर्लिंग रिफ्यूज टू सी द नरेटर. मिसिस डॉर्लिंग ने नरेटर से बात करना इसलिए नहीं चाहिए, बिकॉज शी वॉज ए वेरी कोल्ड एंड सेल्फिश लेडी. क्योंकि वो एक बेरहम औरत थी और वो एक बड़ी ही स्वार्थी औरत थी. शी थॉट दैट गर्ल वुड वॉन्ट टू गेट बैक हर पोजेशंस, और उसको लग रहा था कि जो लड़की है वो अपनी पोजेशंस, अपनी चीजें हैं, वो उससे मांग सकती है. तो स्टूडेंट, दीज आर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. नेक्स्ट 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.